नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी YouTube चैनल विद्या दीप में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 9मो विषय है हिंदी, तेमां प्रथम सेमेस्टर नो पाठ 7मो इकाई 7मी। आ पाठनुं नाम है सूरदास के पद। आ पाठना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन आज आपणे आ विडियो नी अंदर मेळवीशुं। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल में नवा होय तो मारी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करो, जेथी आगळना दरेक नवा वीडियोनी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइलनी स्क्रीन पर मळी शके। तो चालो विद्यार्थी मित्रों शरू करिए। धोरण 9मो विषय छे हिंदी, तेमां प्रथम सेमेस्टरनो पाठ 7मो। आ पाठनुं नाम छे सूरदास के पद। तेनुं स्वाध्याय आपेलुं छे, तेमां पहेलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1नो पहेलो प्रश्न, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? जवाब, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। बीजो प्रश्न छे, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? जवाब, सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसके कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। तीजो प्रश्न, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? जवाब, बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। चौथो प्रश्न, सूरधन्य क्यों हुए? जवाब, सूरधन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहलो प्रश्न, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अन्याय भक्ति भावना प्रकट की है? जवाब, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद है। उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाके? इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। बीजो प्रश्न, बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटे मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठोला की माला पहने हुए है। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। तीजो प्रश्न, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? जवाब, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए है, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। प्रश्न नंबर 3, तत्सम रूप दीजिए। अन्यत्र महात्म तो महात्म्य, दुर्मति तो दुर्मति, मधुही तो मध्य, पंछी तो पक्षी, पियासो तो प्यासा, लट तो केस गुच्छ, केहरी तो केसरी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, समानार्थी शब्द लिखिए। पक्षी तो तेनो समान शब्द थशे खग, तेवी ज रीते कूप तो कुआ, धेनु तो गाय, नवनीत तो मखन, कंठ तो गला, आंबुज तो जलज, मधुकर तो भ्रमर, छेरी तो बकरी, लोचन तो तेनो समान शब्द नयन अने नख तो तेनो समानार्थी शब्द थशे नाखून। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 9मो विषय छे हिंदी, तेमां प्रथम सेमेस्टरनी इकाई 7मी सूरदास के पद आ इकाईना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन पूरू करीए छीए। आगळनी इकाईने स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन मेळववा माटे मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो। विद्यार्थी मित्रों, फरी मळीशुं इकाई 8 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।